ओके स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गैलीलियो के इक्वेशंस कर लिए थे, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी समझ लिए थे। इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होती है, फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होती है, ये भी कर लिया था हम लोगों ने। एंड उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। ओके अब थोड़ा सा उसका क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं पूछूं कि गैलीलियो के तीन इक्वेशंस कौन से हैं, सो फटाफट बता दे। गैलीलियो इक्वेशन, चलो बोलो। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके यहां पर v क्या है, v इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके मैं अगर कहूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो कब होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो उसमें यू जीरो है, ये कैसे पता चलेगा। हाँ तुम्हारे सामने से अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही हो तो हम क्या देखते हैं कि गाड़ी रुकी हुई रहती है और यू जीरो रहता है। और v जीरो कब होगा, v जब तुम्हारे सामने आकर के गाड़ी रुक जाए तब v जीरो हो जाता है। ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम लोग रोड पर चलते हैं, कार रोड पर चलती है, ठीक है, और उसकी स्पीड में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, बढ़ाता है। और अगर वही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तब इसे कहते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी मंदन, रिटार्डेशन यानी मंदन। ये क्या करता है, ये स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, स्पीड को घटाता है, और अल्टीमेटली जाकर के व्हीकल की जो स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ओके अब उसके बाद हमने देखा था कि जब यही घटना अगर हम लोग अर्थ पर जैसे ऊपर अपसाइड डायरेक्शन में या ऊपर से नीचे डाउनसाइड डायरेक्शन में करते हैं, तब यहां पर भी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का काम करता है कौन, अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटी। और हम कहते हैं कि हमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है, हमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किसकी वजह से है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसे हम कहते हैं जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको कितना कंसिडर करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताओ अगर हम लोग अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ये जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि जी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, मतलब जमीन की तरफ लगता है, जी हमें खींचता है, पुल करता है, और हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो हमें खींचेगा और हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जी और हमारा डायरेक्शन अलग हो जाएगा, जी की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, मतलब धीरे 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर जी काम करना बंद कर देगा और हम लोग आराम से स्पेस में फ्लोट करने लगेंगे, है ना। और वही अगर मैं कहूं कि कोई प्लेन है, प्लेन से कोई इंसान नीचे गिर रहा है,
तब ऐसी सिचुएशन में जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जी पॉजिटिव होगा, ठीक है, जी पॉजिटिव होगा। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर मैंने कल बताया हुआ था, एक बार देख लो। जैसे कोई इंसान है, अगर उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया तो वो क्या करेगा? जी की स्पीड से नीचे आएगा। हर सेकेंड उसमें जी की जो स्पीड रहेगी वो ऐड होती जाएगी, यानी 10, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज आती है तो यहाँ हमारा जी पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और जब हम लोग यहाँ से अर्थ से कोई रॉकेट फोड़ते हैं तो वो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, और इस सिचुएशन में हमारा जो जी है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। इसलिए जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं, तो बॉल फेंकते हैं ऊपर की साइड, तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि इतना तेज से फेंक दे कि वो जमीन मतलब धरती के बाहर चला जाए, है ना। इसीलिए बॉल कुछ टाइम ऊपर जा करके फिर नीचे गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि जहां तक हमारी ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन ग्रेविटी खींचती रहती है और उसे एक एक पोजीशन पे ले जाकर उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देती है, और वो फिर वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। समझ में? हाँ। तो यहाँ लाइफ में अगर हम देखें तो हर जगह हमें फिजिक्स दिखाई देता है, हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है जहां पर फिजिक्स दिखाई नहीं देता हो। कोई भी एक्शन करने में हमें फिजिक्स दिखाई देता है। इतना क्लियर है? ओके, अब चलो एक कंसेप्ट और समझते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, पानी के अंदर जो है ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। पानी में जैसे हम लोग अगर मान लो कि यहाँ पर एक कुआं है, पानी में जो ग्रेविटी रहती है ना वो कम लगती है। एक कुआं है, कुआं, ठीक है, कुएं में अगर बाल्टी पानी के अंदर है, ठीक है, तो हम रस्सी को जब खींचेंगे तो इजिली जो है क्या हो जाएगा, वो खींच जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पानी के बाहर निकलती है, वही रस्सी पूरी तरीके से भारी, मतलब वो बाल्टी पूरी तरीके से भारी हो जाती है। समझ आ रहा है? तो पानी, ये वाला कंसेप्ट, पानी वाला कंसेप्ट जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री में वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्यों पानी के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो कम लगती है। हाँ, ऑफकोर्स ना, पानी के अंदर भी ग्रेविटी लगती है। पानी के अंदर ग्रेविटी जीरो थोड़ी हो जाती है। पानी ये है तो ये भी जमीन पर ही है ना, बस। हाँ, पानी में जाते हैं तो डूबने लगते हैं वो बता रहा हूँ, जब वो भी फिजिक्स का ये सरफेस टेंशन वगैरह जब पढ़ाऊंगा ना, बॉयंसिंग फोर्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तब उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, पानी में जाते हैं तो डूबने लगते क्यों है, और क्यों बॉडी जो डेड हो जाती है वो फ्लोट होने लगती है, उसके बाद हम लोग कैसे तैरते हैं, बड़ी बड़ी जहाजे कैसे चलती है, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। ये मत समझना कि अच्छा पानी में हम लोग जाते हैं तो वो ग्रेविटी हमें खींच लेती है, इसकी वजह से हम लोग डूबने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना अभी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो खाली इतना समझना कि पानी में ग्रेविटी कम लगती है, पानी में ग्रेविटी कम लगती है। एक्चुअली अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखो ये जो जमीन का ये पोर्शन है, ठीक है, ये जमीन का पोर्शन का लेवल और इस जमीन के पोर्शन का लेवल में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जैसे हम समुद्र के नीचे का जो धरातल है, जो लैंड है उसको देखे, और जो नॉर्मल मास लैंड है उसको देखे, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। इसकी वजह से यहाँ इतना खाली स्पेस मिल जाता है एक तरीके से, मतलब कोई ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जहां जो इस ग्रेविटेशनल पुल को ना कमजोर कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? ग्रेविटी, ये ग्रेविटी क्या, एक तरीके का फोर्स ही है, ठीक है, एक तरीके का फोर्स ही है, जो ट्रेवल करने के लिए इसको अगर बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो उसमें ये कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हम लोग जब बॉयंसिंग वाला पढ़ेंगे ना उसमें मैं समझाऊंगा, तो अभी यहाँ पर फोकस नहीं करना है। बस इतना क्या समझना है, पानी में ग्रेविटी कम लगती है,
एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग से मान लो ये जंप करेगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग से जंप करेगा। तो जब जंप करेगा तो यहां पर जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां पर ना तीन सिचुएशन समझना, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ऐसे सिचुएशन में पूछता है कि बताओ इस पर्सन की वेलोसिटी कम कहां पर होगी, सबसे हाईएस्ट कहां पर होगी और जीरो कहां पर होगी। ठीक है, तो हमको तो ये क्लियर पता है कि भाई जीरो हो जाएगी, जैसे वो जमीन पर आकर के धड़ाक से गिरेगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। यानी पॉइंट सी पर पर्सन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब वो कूदने वाला रहेगा तो ऐसे थोड़ा सा चल के आएगा, दौड़ के आएगा, और यहां पर इसकी वेलोसिटी जैसे ही ये फ्लोर को टच करके छोड़ेगा, ठीक है, यहां पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम रहेगी। जैसे ही इसके नीचे आया, हर सेकेंड इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, इंक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। और आते 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 जमीन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही, जैसे ही वो जमीन को टच करने वाले रहेगा, वहां पर इसकी वेलोसिटी सबसे भयानक रहेगी, सबसे मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि जैसे ही जमीन को टच करेगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या, है ना। तो यहां पर तीन सिचुएशन का याद रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बॉल गया, बॉल को मैंने यहां से फेंका ऊपर, तो पहले यहां से नीचे से जाएगा जाएगा जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो कहां हो जाएगी? ऊपर, एक ऐसा पोजीशन जहां पर रुक जाएगा, है ना, जहां पर रुक जाएगा। इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होते होते यहां पर जीरो हो जाएगी, और फिर वहां से वो गिरना चालू करेगा, और धीरे 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 जब वो जमीन को टच होने वाला रहेगा, तब उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम रहेगी, और जैसे ही जमीन टच करेगा उसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ। तो तीन सिचुएशन, ग्रेविटेशनल पुल में वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कब होती है? जमीन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जमीन से जस्ट थोड़े सा ऊपर। और सबसे मिनिमम कब होती है? जब अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के दिया रहे तो जब पर्सन यहां से जंप करने वाला रहेगा तब वहां पर उसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम रहेगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी। कब तक इंक्रीज होगी? जब तक कि वो जमीन को टच नहीं कर देता, ठीक है, जमीन को टच करेगा जीरो हो जाएगा तुरंत। इतना क्लियर? ओके, अच्छा। अब अगर मैं कहूं कि समझो इस बात को, जैसे एक पर्सन है यहाँ और कोई पर्सन है यहाँ और तुम यहाँ हो नीचे, तुमने इसको एक पत्थर मारा, स्टोन, ठीक है, पत्थर मारा और तुमने इसको पत्थर मारा, बताओ एक नंबर दो नंबर में से किसे ज्यादा तेजी से लगेगा पत्थर? दो नंबर वाले को। क्यों? क्योंकि वो नजदीक में है और हमारा फोर्स जितना रहेगा उतने में वो बहुत जल्दी से उसके पास पहुंच जाएगा और उसको हिट कर देगा, लेकिन जो ऊपर है वहां तक जाते 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 ग्रेविटी और बढ़ती जाएगी और उसका पुल एक वक्त आएगा ये इसको कमजोर कर देगा, मतलब कि वहां तक हो सकता है पहुंच ही ना पाए स्टोन, है ना, और वहां से नीचे डाउनवर्ड आने लगेगा। अच्छा, मैं अगर कहूं एक नंबर या दो नंबर में से अगर दोनों लोग जंप करते हैं तो ज्यादा चोट किसको आएगी? एक नंबर वाले को। क्यों? क्योंकि ये हाइट इसकी ज्यादा है और हाइट ज्यादा होने की वजह से जब ये वहां से जंप करेगा तो इसकी स्पीड भयानक हो जाएगी, और जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो जमीन पर गिरेगा तो उसे चोट भी ज्यादा लगेगा। और ये जो दो नंबर है वो तो थोड़ा ही हाइट पर है और जब वो कूदेगा तो उसकी स्पीड में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा और उसे चोट भी कम लगेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो कि तुमने ये ऑब्जर्व किया रहेगा, जो लोग फ्री फॉल करते हैं
वहां जहाजों में से क्या कहते हैं उसको, स्काई डाइविंग है ना, स्काई डाइविंग। तो क्या लगता है कि कितने टाइम तक वो लोग आसमान में रहते होंगे और धरती पर आते होंगे? अगर हमें स्काई डाइविंग करने का शौक हुआ, मान लो कि हमने देखा किसी मूवी में यार क्या स्काई डाइविंग होता है, बढ़िया लगता है, अगर हमने हमें भी करने का मन हुआ, अच्छा हम चलेंगे 15-20 मिनट तक आसमान में रहेंगे, तो देखते हैं कि लगभग अगर हम लोग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हो और वहां से अगर हमें जंप करना हो, 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई है ना, 10 किलोमीटर कम नहीं होता है, हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर, तो हम उससे भी ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। और देखते हैं कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम हैं और वहां से हम जब फॉल करते हैं अपने प्लेन से, तो कितना वक्त लगेगा हमें यहाँ जमीन पर आने में? तो बताओ, देखो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या लगाना है, हमने कहा था कि जब गैलीलियो का फॉर्मूला ऐसे रोड पर सिंपल चल रहे हैं तो वहां पर तीन फॉर्मूले लगेंगे, कौन से, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन जब भी जमीन की बात आती है तो मैंने कहा फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो बदल जाएगा। एक्सेलरेशन किसके द्वारा लग रहा है, ग्रेविटी के द्वारा, तो वहां हम लिख देंगे ग्रेविटी, और जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो एच हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ वी इज इक्वल टू यू प्लस एट जी टी, ठीक है, उसके बाद यहाँ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है, ये तीन फॉर्मूले लगेंगे। और हमको पता है कि जी कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, अगर जी पॉजिटिव रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव रहेगा तो वहां उसकी नेगेटिव वैल्यू रख देंगे, है ना, वो सब तो कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। अब देखो यहीं पर समझो कि जैसे कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन से कोई पर्सन है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पर्सन है, इसको यहां से नीचे जाना है, और ये है अर्थ, यहां से जो इसकी हाइट है ये लग है 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, और जब ये गिर रहा है, ठीक है, जैसे ये फ्री फॉल करेगा, अच्छा ऐसी सिचुएशन में भी हमारा v कब जीरो होगा और u कब जीरो होगा, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है ना। हाँ देखो, जब ये यहां से जंप करेगा तो अभी ये रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो इसका u क्या होगा, जीरो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये दौड़ के आएगा वहां से, कहीं इसको लॉन्ग जंप करना है क्या कि दौड़ते दौड़ते आएगा और फिर कूदेगा, वो तो सीधा वहां पर खिड़की पर खड़ा रहेगा और धड़ाम से वहां से गिर जाएगा, तो खड़ा रहेगा तो उसका यू जीरो है, और जब गिरने लगेगा तब उसका वी का जो है कंसेप्ट आ जाता है कि भाई कितने की स्पीड से वो जंप किया, है ना, वी आ जाता वहां पे, है ना। या तो वी अगर नहीं है तो हम लोग सीधा क्या ऐड करेंगे, उसके ऊपर कौन सी जो एक्सेलरेशन है वो कितने से एक्ट कर रहा है, और यहाँ जब ऊपर से ही गिरेगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हमें पता करने की जरूरत है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये पता है हमें ऑलरेडी, ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना रहता है, 10 रहता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैं अभी पूछते रहूंगा। जैसे मैंने कहा कि हाइट यहाँ से है 10,000 मीटर, और यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है, मतलब कि स्काई डाइविंग करने वाला है, ये कूद गया, तो बताओ अगर इसके पास पैराशूट नहीं है, ये पैराशूट ओपन नहीं करने वाला है, तो ये जमीन पर आने में इसको कितना वक्त लगेगा, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊ मैं, पहला वाला लगाऊ, पहले वाले में हाइट में क्या डालूंगा मैं, लेकिन पहले इक्वेशन में हाइट कहां है,
थर्ड वाला लगाऊं? ओके चलो ठीक है, अगर मैं थर्ड वाला लगाऊंगा तो बताओ मैं वी क्या रखूं? वी ठीक है, बताओ मैं वी वी कैसे निकालूं? पहला का इक्वेशन यूज करूं वी निकालने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम निकाल के बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी कैसे निकालूं। मतलब कि तुम चाह रहे हो कि मैं यहां से, मतलब ये यू जीरो है और जी पता है, एच दिया है और इस भी की वैल्यू निकाल लू। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें भी चाहिए या हमें टाइम चाहिए? तो मैं भी निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करूं अपना? क्योंकि हाइट है, जी है, यू जीरो है, टाइम यहां दिख रहा है, तो मैं क्यों ना सेकेंड वाला यूज कर लू, है ना? सेकेंड वाला यूज करते हैं, तो यहां हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मैंने कहा क्योंकि ये रुका हुआ है, रुक करके फ्री फॉल करेगा, यू जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो पूरा गया। एच है 10,000 मीटर इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन हमारा क्या लगेगा, यहाँ जी हो जाएगा 10 और टी का स्क्वायर। ठीक है देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू हाफ 10 और टी स्क्वायर, ये होगा 2×5 और इसको इधर लाऊंगा 10,000/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से इसको काटूंगा तो 2, ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना? यानी टी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2000। अब देखो मैं इसको कैसे यहाँ 2 लिख दू, सॉरी 20 लिख दू और 10 का स्क्वायर लिख दू, कोई दिक्कत है नहीं? तो ये जब 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा एक बार, है ना? और ये बीच रूट में ये 20 रह जाएगा, है ना? तो अगर हम कहें नॉर्मली टी इज इक्वल टू 10 इंटू रूट ऑफ 20, अच्छा अगर मुझे 20 रूट 20 की वैल्यू निकालने रहेगी तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालूंगा? चार का होता है 16 बरोबर, 5×25 बरोबर, तो 4 और 5 के बीच में रहेगा, तो मैं मान लेता हूँ 4.5 होगा, है ना? 4.5, तो अगर मैं 4.5 के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो यानी 45 सेकेंड, है ना? यानी 10 किलोमीटर की हाइट पर है कोई इंसान, उसे जमीन पर आने में सिर्फ 45 सेकेंड लगेंगे, यानी 1 मिनट का भी मजा नहीं है स्काई डाइविंग में। समझ में आ रहा है? और हमको क्या लगता है, हम लोग आधे घंटे तक ऊपर रहेंगे, बढ़िया एकदम झमाझम करेंगे, मूवी में ऐसे दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक वो लोग रहते होंगे ऊपर, मस्त उड़ते होंगे, है कि नहीं? पैराशूट, मैं मान रहा हूँ कि पैराशूट लेकर उतरेंगे तो उनको भी एक मतलब इंस्ट्रक्शन दिया रहता है भाई कि जब तुम जमीन से 1000 मीटर की ऊंचाई पर या 500 मीटर की ऊंचाई पर रहना तभी अपना पैराशूट ओपन कर लेना, क्योंकि जैसे ही पैराशूट ओपन करेंगे अब पैराशूट क्या लगाएगा इनमें, इनकी ग्रेविटी को कम करने लगेगा, यहाँ पर जी की वैल्यू को घटा देगा, इसकी स्पीड को घटा देगा। ये पैराशूट खोलने का मतलब ये नहीं कि ये लोग ऊपर ही रह जाएंगे, पैराशूट बस उनकी स्पीड को कम कर देगा और वो जो एकदम फ्री फॉल 10 की स्पीड से आ रहे थे नीचे, अब वो हो सकता है कि 7 की स्पीड से नीचे आए या 6 की स्पीड से नीचे आए। वो हमें दिखाई देता है कि उड़ रहे हैं लेकिन वो लगातार नीचे आते रहते हैं, वो लगातार कितने टाइम तक दिखाता है। अरे हाँ, वो हाथ
हाथ पकड़ते हैं, गोल गोल घूमते हैं, वो सब कुछ इसी सेकंड में उन्हें करना रहता है, इतने सेकंड में। मतलब मैंने एक ये 45 सेकंड लिया है, अगर मैं 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हो सकता है वो 15,000 मीटर की ऊंचाई पर हो, 20,000 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वो जो भी क्रियाकलाप उनका रहता है ना, कि वहां पर जो है अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्म करना, वो सब वो गिरते गिरते ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रहता कि वो वहां पर स्टे कर जाएंगे या कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, वो ग्रेविटी उन्हें वहां रुकने ही नहीं देगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ग्रेविटी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करके बताओ, और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले तुम सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आए, तो मैंने बताया क्वेश्चन आते पहले हमें क्या लिख लेना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है कौन सा, तीन। तो पहले है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान में रहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन, और इसमें देखेंगे पहले डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, हमको पता है कार जब हमारे सामने से चालू हो तो यू जीरो, और हमारे सामने आकर रुक जाए तो वी जीरो। लेकिन इस ऐसे सिचुएशन में ना हमारे सामने से चालू हुई है और ना हमारे सामने आकर के रुकी है, यानी ये हमको जो दिखाई दे रही है कि ये मूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारा u कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड हमारा u है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो वो इतनी की स्पीड से ही दिखाई दे रही है ना हमारे आंखों के सामने। तो भाई वो 100 की स्पीड से ही मुझे नजर आ रही है। अब पता नहीं ये रुकी थी नहीं रुकी थी, चलते हुए आ रही थी, कौन जाने, है ना। और ये जब कहीं पर जाकर के रुक जाएगी तब उसका v की कोई वैल्यू होगी। तो मेरे लिए तो अभी ये u हुआ 100 मीटर पर सेकंड। और फिर कह रहा है हैविंग एक्सेलरेशन, यानी a कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है इन व्हाट टाइम स्पीड ऑफ कार बिकम डबल, यानी कि कितने समय में ये जो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी जो डबल होगा वो उसका v होगा। तो कह रहा है कि भाई बताओ v कब 2 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है कितने टाइम में, कितने टाइम में t निकालना है ना। तो हमारे पास इतना डेटा आ गया, u दिया है, a दिया है, कह रहा है कि v 2u कब हो जाएगा, वही टाइम हमें निकाल देना है। तो बस हमको पता है कि अगर मैं ये देखूं u है, a है, v है और t फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए ये फॉर्मूला एकदम सुटेबल है ना। तो इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमारा क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ u प्लस a कितना दिया हुआ है, a है हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 20, और t हमें निकालना है। मैं इस u को इधर लाऊंगा तो 2u माइनस u इज इक्वल टू 20t, ये 2u में से 1u जाएगा तो बचेगा 1u इज इक्वल टू 20t। अब u की वैल्यू हमें पता है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 ऑफ t। ठीक है, तो मैं t इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 कर दूंगा, और 20 25 100, यानी t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड बाद ये जो गाड़ी की स्पीड अभी जो 100 है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। यही पूछा था, यानी हमारा ये u है और ये हमारा v हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है,
इफ अ कार मूविंग विथ स्पीड, देखो सेम चीज मूव कर रहा है, ना हमारे आंखों के सामने से मूव किया है मतलब रुका हुआ था और मूव कर दिया, ना हमारे आंखों के सामने आकर के रुक रहा है, तो मूव कर रहा है यानी यू है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मुझे बतानी होगी, ठीक है। जैसे कि जब भी हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो छोटे यूनिट में करते हैं, जब बड़ा यूनिट दिया हो जैसे किलोमीटर पर आवर तो उसे हमें छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो यूनिट कन्वर्जन का एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, जैसे अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ये छोटा है, देखो एक वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, वो होता है 5/18, ठीक है। और अगर कभी तुम्हें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो यूनिट कन्वर्जन के लिए। अब ये कैसे होता है अभी समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो जैसे कह रहा है कि भैया यू है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे क्या किलोमीटर पर आवर में चाहिए ये वैल्यू यू की? नहीं, किसमें चाहिए? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में चाहिए, ये हो जाएगा 72। मैं कितने से मल्टीप्लाई, देखो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और एक घंटे में कितने सेकेंड, 3600, एक घंटे में 60 सेकेंड होता है, 60 × 60 3600 सेकेंड। तो यहां से ये सुनना चला गया, ये बच गया 5/36, तो काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और 2 = 18 × 36, यानी आ जाएगा U = 72 × 5/18। तो हम लोग इतना तामझाम ना करके एक वैल्यू याद कर लेते हैं, जब कभी हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, देखो किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो हमें ऊपर छोटी वैल्यू रखनी है। 5 और 18 में कौन छोटा, 5 × 18 = 5, तो ऊपर हमें छोटी वैल्यू रखनी है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो ऊपर बड़ा वैल्यू है तो ऊपर हमें बड़ी वैल्यू रखनी है 18/5, ठीक है। एक ही याद रखो, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमारा यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, U = 72/5 × 18, 18 से काटेंगे 18 × 4 = 72, तो U = 4×5 = 5×20, 20 आ गया मेरा यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, और दिया है कि यानी इसका v जीरो होगा कितने मीटर बाद, 400 मीटर, ठीक है। आफ्टर 400 मीटर व्हाट वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन रिक्वायर्ड, यानी एक्सेलरेशन की वो वैल्यू क्या होगी जो गाड़ी को 400 मीटर के बाद रोक देगी, है ना। तो देखो यहां पर हमें v मिल गया, दूसरा हमें दिया है s दिया है 400 मीटर, और v कह रहा है जीरो हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगी, कह रहा है a की वैल्यू निकालो। हमको पता है जब गाड़ी रुकती है रिटार्डेशन आता है तो a की वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा, हमें आंसर पहले से पता चल गया कि हमारे आंसर में नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। ओ अब हमारे पास क्या क्या है, एस है, बी है, यू है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें देख लेंगे, एस है, ए है, यू है, ठीक है, यू है, और क्या है हमारे पास, बी भी है, लगाओ जरा इधर, बी है, बी भी जीरो है, हमें निकालना है ए, हमें ए निकालना है। तो हमारे पास एस का दो फॉर्मूला है, या तो एक ये है और एक ये है। हमारे पास टाइम दिया है क्या, टाइम नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा तीसरा वाला, तो यूज करते हैं। तीसरा क्या कहता है, v² = u² + 2as। अब देखो
हमारे पास वी कह रहा है जीरो हो जाएगा तो जीरो रख दो, यू कितना है यू 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए हमें निकालना है और एस दिया हुआ है 400 मीटर है ना, तो 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 गुणे 2 800 ए। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 400 बराबर 800 ए, ठीक है देखो माइनस 400 इज इक्वल टू 800 ए, ये दो जीरो से दो जीरो चला गया, बच गया माइनस 4 इज इक्वल टू 8 ए। अब ए को यहीं रहने देते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो माइनस 4 बाई 8 इज इक्वल टू ए और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दुनी 8 है माइनस 1 बाई 2 है ना, यानी ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर सेकेंड, जो कार होगी उसकी स्पीड में 0.5 की कमी आती जाएगी और वो 400 मीटर बाद जाकर के रुक जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया हमारा वैल्यू, मतलब हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ओके। अब तीसरा चलते हैं, थोड़ा सा रिमूव करो। तीसरा में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि क्या कह रहा है जी, हाँ A car start moving from its initial, its initial जब आए या rest position आए ये देखते ही समझ जाना u zero है। Initial का अपने initial से चला है मतलब वो रुका हुआ था और फिर चलना start किया है, u zero दिमाग में तुरंत आधा data यहीं खत्म, u zero after 10 second, t दिया हुआ है 10 second, its speed become 144 kilometer per hour। तो अगर u जीरो था तो इसका स्पीड अगर 144 हो गया मतलब ये v की वैल्यू है 144 है ना, v की वैल्यू है 144। कह रहा है कि इफ कार हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a की कुछ तो कुछ वैल्यू है और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा तो बताओ वो कार रुक जाएगी या उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, वही कह रहा है कि भाई ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पहले हमें वो एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है कि कितना है उसकी वैल्यू, तो हमें एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, यानी ये जो 10 सेकेंड है 10 सेकेंड में जो उसकी स्पीड 144 हुई है उतने सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसकी डिस्टेंस भी निकालो। यहाँ पर हमें दो वैल्यू निकालनी है, हमें पहले ए निकालना पड़ेगा कि वो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है उसमें कि उसकी स्पीड 144 हो गई है और उस हिसाब से उसने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, ठीक है। पहले हम यहाँ पर क्या क्या लिख लेते हैं देखो, u जीरो है, u जीरो, e 10 सेकेंड और v दिया है 144 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि पहले a निकाल लो और फिर एस निकाल लो, तो बताओ हमारे पास इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, यहां से हमें a मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास u जीरो है v है और टाइम भी दिया हुआ है। तो मैं अगर v की वैल्यू रखू v 144 इज इक्वल टू जीरो प्लस a इंटू 10, तो यहां से अगर हम देखेंगे ये किलोमीटर में है कि मीटर में जी, ये है किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 144 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हम पाई अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो काटो इसको 8 बार में जाएगा ये, ठीक है ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हमारा v की वैल्यू ये आ गई, अब वैल्यू पुट करते हैं, v की जगह हो जाएगा 40 u 0 a और 10, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 40 इज इक्वल टू 10a और a की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a मिल गया, अब a मिल गया तो बस एस आराम से निकल जाएगा,
एस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, कौन कौन सा? या तो ये दूसरा लगाए या तो तीसरा। दूसरे में कहा है टाइम यू, तो दूसरे से भी निकाल सकता है और तीसरे में भी है बी यू टू एस, यहाँ पर भी इससे भी निकल सकता है, तो जिसमें मन करे उसमें लगा दे। मैं तीसरा यूज कर लेता हूँ, छोटा दिख रहा है ना? तीसरा अगर मैं करूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अब बताओ बी की वैल्यू क्या है? 40। अरे बी 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 40 है ना, तो 40 का स्क्वायर, यू तो जीरो है, जीरो प्लस टू टाइम्स ऑफ ए हमें मिल गया कितना, चार चार, और एस हमें निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार चौका 1600, 1600 इज इक्वल टू 8 एस, है ना। अब इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, 1600 अपॉन 8 इज इक्वल टू एस, 8 दुनी 16, यानी एस इज इक्वल टू 200 मीटर, आ गया ना, दोनों वैल्यू निकल गई, ए भी आ गई एस भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूँ। अरे नेक्स्ट कह रहा है चौथा, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट दिया है तो यहाँ पर यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ए की वैल्यू है 3, तो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 12 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू 12, 12 सेकंड बाद ये कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी। तो सिंपल सी चीज है, यू अगर जीरो है, ए है, टी दिया है, एस पूछा है, तो एक ही फॉर्मूला है ये दूसरे नंबर का, इसमें पुट कर दो वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्या दिया है ए, ए कितना है, ए है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी टी कितना है 12 सेकंड, यू जीरो है और एस पूछा है, तो क्या होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 3 और टी है 12 का स्क्वायर करेंगे 12 में 144, है ना, 0 1/2 × 3 × 144 काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 3 × 72, 3 × 6 = 21, 216 मीटर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 216 मीटर। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। ये था हमारा पूरा पूरा ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था उसको बता दिए, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे इससे गैलीलियो इक्वेशन से वो भी हम लोगों ने कवर किया। अब एक कंसेप्ट और बचता है, जैसे कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं और ग्राफ के जरिए कैसे डेटा निकालते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है।